आज की हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे मध्य युवा मोर्चा के ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय तेजस्वी सूर्य जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश जी, राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री विनीत त्यागी जी, राष्ट्रीय सोशल मीडिया इंचार्ज कपिल परमार जी रहेंगे और आप सबका मैं यहाँ पे आने पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं अनुरोध करूंगा तेजस्वी जी को कि हमारा आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय रखें। आप सबको इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। इस प्रेस वार्ता के इस मंच पे मेरे साथ युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री वैभव सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभिनव प्रकाश जी, मीडिया के प्रभारी अमन जी, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव विनीत त्यागी जी और सोशल मीडिया के प्रभारी कपिल परमार जी हैं, उनको भी मैं स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब जानते हैं कि कल नेशनल वोटर्स डे है और इस उपलक्ष्य में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में नव मतदाताओं को संपर्क करने का और उनसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संवाद कराने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम कल आयोजन कर रहे हैं। देश में लगभग 7 करोड़ से ऊपर नव मतदाता है जो 18-25 के इयर्स के बीच में के हैं और 2014 और 2019 के दोनों चुनाव में ये जो यूथ वोटर्स थे, फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, इनका बहुत बड़ा रोल मोदी जी के इलेक्शन में और री इलेक्शन में हुआ था। और पिछले 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार युवा केंद्रित विकास को ही ध्यान देकर बहुत सारे योजनाएं, बहुत सारे पॉलिसीज फोकस प्राइमरीली ऑन द यूथ हम चलाए हैं। वेदर इट इज द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच केम आफ्टर 36 लॉन्ग ईयर्स और वेदर इट इज द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ IIMs, IIT, एम्स, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, द नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, द नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीट्स, द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट द यंग ऑफ इंडिया हैव बीन गिवन विद अ शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन द एजुकेशन सेक्टर इज अनपैरेलल्ड। डिजिटल इंडिया हो या स्टार्टअप इंडिया हो, ड्रोन सेक्टर हो या एरोस्पेस जैसे सेक्टर को भी पहली बार देश के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को खोलने का काम हो, हर सारे पॉलिसी, हर सारे योजना युवाओं को केंद्रित कर माननीय मोदी जी ने किए हैं। और पिछले 10 साल में जो नीति आयोग की रिपोर्ट गरीबी के ऊपर स्टडी कर जो विषय रखे हैं, द नीति आयोग रिपोर्ट स्टेट्स दैट अराउंड नियर अबाउट 25 करोड़ पीपल हैव कम आउट ऑफ पॉवर्टी एंड उसमें भी बहुत बड़ा जो रोल है, बहुत बड़ा जो उसका लाभ है वो देश के युवाओं को मिला है। और पिछले 10 साल में देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन का बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो शुरू हुआ है, वो एयरपोर्ट्स हो, पोर्ट्स हो, हाईवेज हो, मेट्रो हो, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे डबलिंग, रेलवे एक्सपेंशन,
ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ोतरी जो देश में हुआ है, इसका भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लाभार्थी देश के युवा है। और हिस्टोरिकली दिस इज अ टाइम व्हेन द अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री इज ऑल्सो एट एन ऑल टाइम लो बिकॉज ऑफ द मल्टीपल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट हैव बीन क्रिएटेड फॉर द यूथ एंड द रैपिड ग्रोथ and pace of the country's economy. स्वाभाविक रूप से देश के युवा मोदी जी के प्रति बहुत उत्साहिक है और बहुत enthusiastic है कि हम मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में देश के युवा elect करना चाहते हैं. The young of India are extremely enthusiastic and extremely keen to re-elect the Honorable Prime Minister for a third time in office straight. In drushti se, kal desh ke 5000 alag alag sthanon mein Namo Nav Matdata Sammelan ka ayojan ho raha hai. 13th ऑफ जनवरी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी के द्वारा हम एक रजिस्ट्रेशन लिंक अनावरण किए थे और आज तक लाखों संख्या में देश के युवा कल के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए इस रजिस्ट्रेशन लिंक पे प्रायर रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और कल लाखों संख्या में 5000 सम्मेलन में युवा ये नव मतदाता सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा इंटरैक्ट करने वाले हैं, मोदी जी के मार्गदर्शन प्राप्त करने वाले हैं. ये कार्यक्रम 2-3 कारण के लिए विशेष है और ऐतिहासिक भी है. ये देश के इतिहास में पहली बार अ प्राइम मिनिस्टर इज इंटरैक्टिंग विथ फर्स्ट टाइम वोटर्स एट दिस स्केल एवर. So directly or indirectly, about 1 crore first-time voters will be touched in tomorrow's interaction and tomorrow's program. So this is historic in the sense that it is the first time that the youth wing of any political party is organizing an interaction with first-time voters with the country's prime minister at this scale. There is also another dimension which is special about this program. Pradhan Mantri ji hamesha yuvaon ko politics mein aur rashtra nirman mein contribute karne ke liye wo encourage karte rehte hain hamesha. Aur voting aur participation in elections as a voter, it's a very very important statutory and a national responsibility for the young people. Kal maniya Pradhan Mantri ji ke margadarshan ke baad aur utsah ke saath desh ke karodon naujawan, desh ke karodon naye matdata apne electoral process mein, apne democratic process mein aur utsah ke saath bhaag lenge. And this program is also going to strengthen and deepen the democratic roots in India. देश के ये 5000 सम्मेलनों में एक बहुत अच्छा प्रदर्शनी भी हम डिस्प्ले करेंगे जिसमें युवाओं को 2014 से पहले का भारत और मोदी जी प्रधानमंत्री जी बनने के बाद के भारत, इस दोनों का एक कॉन्ट्रास्ट देश के युवाओं को मिलेगा. और सबसे महत्वपूर्ण काम यह भी है कि कल हम देश के लाखों युवाओं को मोदी जी के विजन के अनुसार विकसित भारत एम्बेसडर के रूप में उनको रजिस्ट्रेशन भी हम करेंगे. मोदी जी के विजन जो है दैट बाय 2047 इंडिया विल बी अ डेवलप्ड कंट्री एंड दैट द यंग ऑफ इंडिया विल प्ले अ वेरी वेरी वाइटल रोल इन दैट ट्रांसफॉर्मेशन. उस उपलक्ष्य में हम कल लाखों संख्या में देश के युवाओं को
विकसित भारत अंबेसडर्स के रूप में हम उनको रजिस्ट्रेशन भी करेंगे। तो इस कार्यक्रम के लिए पिछले 15 दिन से युवा मोर्चा के हजारों कार्यकर्ता देश के कोने कोने में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर्स में, ट्यूशन सेंटर्स में, प्लेग्राउंड्स में, बूथ में जाकर इन नव मतदाताओं का संपर्क करने का, इस कार्यक्रम में उनका रजिस्ट्रेशन कराने का काम हमने पूरे देश में किए हैं। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उद्बोधन के लिए हम सब बहुत उत्सुक हैं। और मैं मानता हूं बहुत विश्वास के साथ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ये कार्यक्रम के बाद, माननीय प्रधानमंत्री जी के ये मार्गदर्शन के बाद, देश के नए मतदाता बहुत उत्साह के साथ इस बार भी चुनाव में एज रिस्पॉन्सिबल इलेक्टर्स, एज वेरी रिस्पॉन्सिबल वोटर्स, वो अपने दायित्व निभाएंगे और देश निर्माण काम में अपना बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज प्लीज। जहां तक युवा मोर्चा के आगामी कार्यक्रमों के बारे में आपका सवाल है, जैसे जैसे अपना कार्यक्रम तय होगा मैं आप सबके सामने आकर कार्यक्रम का जो विवरण होगा मैं आप सब के बीच में रखूंगा, बिकॉज विथाउट योर हेल्प एंड विथाउट कम्युनिकेटिंग टू यू वो अधूरी रहेगा। बट विथ रिगार्ड टू जो इंडिया अलायंस का, ममता बनर्जी जी का आज का जो स्टेटमेंट है, अमन जी मैं बहुत सारे बार कह चुका हूं कि ये जो इंडिया अलायंस है ये एक बहुत अननेचुरल अलायंस है, ये सांप और मंगूस के अलायंस है, वो बहुत अननेचुरल है, इसलिए वो नेचुरल डेथ इसका हो रहा है। अब देखिए वो वेस्ट बंगाल में सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, टीएमसी भी है, केरला में जो रोज आपस लड़ते रहते हैं ऐसे सीपीएम भी है और कांग्रेस भी है, और यहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस में है, कांग्रेस भी कहते हैं हम इंडिया अलायंस में है, दोनों आपस में रोज लड़ते रहते हैं। दिस इज लाइक एन अलायंस बिटवीन मंगूज एंड द स्नेक। सो दिस वॉज अ नॉन स्टार्टर फ्रॉम द डे इट वॉज अनाउंस्ड। लाइक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी सेड इन अर्लियर युवा मोर्चा प्रोग्राम, द रीजन वाई इंडिया अलायंस कंडक्ट्स इट्स मीटिंग्स ऑल्सो वर्चुअली इज बिकॉज इट्स अ वर्चुअल अलायंस। इसका जमीनी हकीकत कुछ नहीं है। दिस वॉज अ नॉन स्टार्टर एंड इट विल कंटिन्यू टू बी अ नॉन स्टार्टर। I do not want to divert the attention from this particular press conference because tomorrow is a very important day for the first time voters of the country, because we are getting an opportunity to talk to the Honorable Prime Minister, interact with the Honorable Prime Minister in such a large scale. I can only say this, Palji, that those people who questioned the very existence of Ram have no authority to be making any such comments. और इस कार्यक्रम के संबंध में कुछ स्पेसिफिक सुझाव है तो आप इस कार्यक्रम के बारे में पूछ सकते हैं। हम देश के हर सम्मेलन 10 बजे हम शुरू कर रहे हैं। बाय 10:45 AM इन द मॉर्निंग वी विल हैव द इंटरेक्शन एंड स्पीच विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।